नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल के बाग सेवनिया में रहने वाली 3.5 साल की मासूम के साथ गंदी हरकत करने का मामला सामने आया है। आरोप मासूम की ट्यूशन टीचर के बेटे पर लगे हैं। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। बच्चे के जिस्म पर निशान देखकर मां ने बुधवार की सुबह ये बात पड़ोसियों को बताई, जिसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं तक पहुंची। इसके बाद कार्यकर्ता बच्ची और उसकी मां को थाने लेकर पहुंचे और तत्काल आरोपी पर FIR गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बच्ची को CWC की टीम के साथ मेडिकल के लिए रवाना किया है। DCP जोन 2 संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 3.5 साल की मासूम किंडरगार्टन में पढ़ती है। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। घर के पास ही स्थित एक महिला के पास ट्यूशन के लिए जाती है। बुधवार की दोपहर को बच्ची परिजनों के साथ थाने आई। उसकी मां ने बताया कि उन्हें बच्ची के साथ अनैतिक कार्य किए जाने का संदेह है। गलत काम करने का संदेह ट्यूशन टीचर की 19 वर्षीय बेटी पर है। शिकायत के बाद बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। CWC की टीम बच्ची के साथ है। वहीं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वेब कार्यकर्ता जितेंद्र चौहान ने बताया कि बच्ची गरीब परिवार की है। उसकी मां घरों में काम करती है, उसके पिता नहीं है। पास में रहने वाले दूसरे समुदाय की एक महिला ट्यूशन पढ़ाने का काम करती है। बच्ची यहीं पढ़ती है। मंगलवार को ट्यूशन से आने के बाद बच्ची रो रही थी। मां ने उससे पूछताछ की, बच्ची कुछ बता नहीं सकी। वहीं बच्ची को चेक करने पर मां ने पाया कि बच्ची के जिस्म पर खरोंच के निशान है। इसकी जानकारी बजरंग दल और विभिन्न कार्यकर्ताओं तक आई। तब बच्ची के घर पहुंचे और उसकी मां के साथ शिकायत दर्ज कराने थाने आए। आरोपी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थाना बाग सेवनिया में एक महिला ने अपनी बेटी जो 4 वर्षीय है उसके साथ आई हुई है और उनका कहना है कि उनके साथ कुछ हुआ है और क्या हुआ है। अभी हमने जो CWC के काउंसलर हैं और हमारी जो महिला पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ उनको मेडिकल के लिए भेजा है और CWC के जो काउंसलर हैं वो उनसे बच्चे से पूछताछ करके और जैसा भी वो हमारी विक्टिम है, हमारी फरियादियाँ है, वो बताएगी, वैसी हम रिपोर्ट लिखेंगे। सर, आरोपी जो है कोचिंग टीचर है या मोहल्ले में रहने वाला कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कथित आरोपी का है वो जो बच्ची है वो पढ़ने जाती है कोचिंग में और कल भी 3 से 5 बजे के बीच में वो कोचिंग गई हुई थी जो पढ़ने के लिए और वहाँ से वो वापस आई है। शाम को उसकी मदर ने जो बातें बताई हैं वो सुबह अभी आज दोपहर में थाने पर रिपोर्ट करने आई है। तो मेरा कहना है कि मेरा अभी इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी इसलिए होगा क्योंकि बच्ची 4 वर्ष की है और 4 वर्ष की बच्ची आप ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत कुछ अभी बहुत जल्दबाजी में नहीं बता सकती है। तो हमने महिला पुलिस अधिकारी के साथ में CWC के काउंसलर रहेंगे, वो उनसे पूरा इंट्रोगेशन करके अच्छे से पूछताछ करके और जैसा भी वो बताएगी और जो मेडिकल में आएगा वैसी जो है पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम देगी। सर, कथित आरोपी के नहीं बच्ची की ट्यूशन? हाँ, उसकी मदर पढ़ाती थी। तो अभी क्या आरोपी को जो भी बयान अभी जब तक हमारी जो विक्टिम है वो बच्ची अगर पूरा डिटेल हमें बताएगी पूरा उसके आधार पर कौन सी धारा में FIR दर्ज होनी है वो होगी, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। तो अभी से मैं कुछ भी बोल दूँ मेरा बोलना जो है उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक कि पूरी एक पक्की रिपोर्ट जो है आ नहीं जाती। ये सब बैठे भी हमारे सब इंट्रोडक्शन चल रही है और इसमें एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा कि पुलिस जो है अपना निष्पक्ष काम करेगी। जैसे बयान आएंगे, जैसी घटना आएगी वैसी कार्रवाई होगी। इसमें किसी को भी बचाने का, छुपाने का या घटना को कम या ज्यादा करने का कोई प्रयास नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।